दरिया वे डूंगा समंदर की वसदाए दे अंदर सूफी जोगी पीर से आड़े सूफी जोगी पीर से आड़े कोई न समझे ना कोई जाने दिल दिया गल्ला दिल ही जाने दिल दिया गल्ला दिल ही जाने दुख है मम्मा कि मैं तुहाडी कुड़ी हां पर खुशी इस गल दी है कि तुहाडा एक भी गुण मेरे विच नहीं है पूर्णिमा इस विच इना हैरान होने की की गल है इतिहास एक बारी फिर अपने आप नूं दोहरा रहा है तेरा डेस्टिनी है तेरे वर्गे थर्ड क्लास लोकां दी मेंटालिटी मैं चंगी तरह जानदी हां पहले दूजियां दी गल्लां सुनदे हो मैं उस दिले कुछ भी कर सकता कुछ भी ता फिर भूल जा मेरा बेटा वाकई बहुत बहादुर है इतनी छोटी जी उम्र च अपने आदि खुशी गम जज्बात सारी दी इनी समझ है इनी वड्डी कुर्बानी आवे निहाल की गल है वो सोच गया बेटा मैं तेरे नाल एक जरूरी गल करनी है हाँ हाँ भाई दस सब की है हॉस्पिटल तस्वीरें किसने ली हैं तो जिन्हें भी ली ने उन्हें की फायदा है जेडी क्योंकि जेडी तेरा दुश्मन है उन्हें पता है सब कुछ करने के बाद उन्हें फायदा ही होगा नुकसान नहीं मैं चाह पीता दुश्मनी कदन दे तां होर भी बड़े तरीके होंदे ने पर किसी ने बड़े नीच तरीके नाल दुश्मनी कड़ी अमन को वेख से मैं मानता कि अमन मेरा राइवल है ते असीं दोवे एक दूजे नूं पसंद नहीं करते पर तू मेरा विश्वास कर एहो जी घटिया हरकत जेडी कदे भी नहीं कर सकता मैं ते दुश्मनी दे मामले विच अपना स्टैंडर्ड नहीं भुलांदा जिथे तक मेरा ख्याल है मैं ता तुहाडे वल कोई उंगली नहीं कीती ते ना ही कोई ऐसी गल कही जिदे नाल तुहानू सफाई देने की लोड़ पवे फिर तुसी एदा क्यों कह रहे हो नहीं नहीं मैं किथे सोच रहा मैं ते ओदा ही सरसरी जी गल कीती शायद किथे तेरे दिमाग च मामे किस तरह दी गल्लां करदे पे हो अमन अंकल दे कुछ राइवल्स तां उहनां दे अपने ही ऑफिस विचों इन्ने लोकां दी निगरानी तो बावजूद कंपनी दी नवीं धुनां चुरा के अपनी कंपनी दा स्टैंप ला के बाहर भेजदे ने ते इस हालत विच तां किसी भी राइवल लई इह बड़ी मामूली जी गल है ते इस तरह फोटो मैगजीन विच घटिया तरीके नाल कोई भी छपा सकदा पर जिस किसी ने भी यह हरकत कीती है
वो कदी ना कदी तो सामने आ ही जाएगा। वो कहंदे है ना गुनाह कीते तो चोरी छिपे ही जांदे ने पर ज्यादा देर तक लुके नहीं रहते। मान गए उस्ताद जिन्ना भरोसा दवाया सी उस तो बाद सफाई नाल काम किते मतलब मजा ही आ गया यार। किवें जी गल करदे पे हो जनाब, ए तां साडा रोज दा ही काम है। और तुसी तुसी तो बड़ा निक्का जिहा काम दिता सी, जे किसी नूं मारन लई कहंदे तां होर भी मजा आ जांदा। तेरे इरादे दा तेरी शक्ल तो ज्यादा खतरनाक ने। अल्लाह रख ते तू तू एक खबर छाप के ना अखबार दे विच मेरे ते बहुत वड्डा एहसान कीता सच्ची यार, थैंक्स अ लॉट। वाह जनाब, तेरे जिए सेट तो मैं पहली बारी वेख्या। जेड़ा मुंह मांगी कीमत भी देंदा है ते एहसान दी गल भी कर। पैसे नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता, जे कदे दोबारा लोड़ पई ते सद लेना। क्यों नहीं यार, मैनू मेरी मंजिल तक पहुंचन लई शायद तेरी लोड़ पै ही जावे। चल दा जनाब, सत श्री अकाल। चीयर्स। ताया जी अगे अगे देखते जाओ के शानू दा दिमाग होर की कर दे। Cheers। पै गई ठंड, जो तू चाहता सी आकर हो गया ना। यही चाहता सी ना तू। बाजी मैं कीता की है? मेरे को पुछदा मैं की कीता? अपने आप को लो कुछ, तेरी वजह नाल आज सोनिया घर छड़ के चली गई। वो भी हमेशा दिन सोनिया घर छड़ के चली गई, पर क्यों? तेरी घटिया करतूतों की वजह ना। तू की सोचता आज तक जो होया वो तो बाद तेरी पूजा करेगी? एक छत दे थले रहेगी तेरे वर्गे घटिया इंसान नाल? महका जी तुसी शांत हो जाओ। तू चुप कर। तेरे लाड़ प्यार दा नतीजा है सारा कुछ। तेरी शायद नाल ही होया है। इन्हें सिर्फ सोनिया नू ही नहीं मैनू भी धोखा दिता, विश्वासघात किया मेरे नाल। चाहे मैं किदां दा भी वर्ताव किया होए तेरे नाल, पर तेरा दर्जा मेरी नजर च इको ही गल करके उच्चा रहा कि तू मेरे कहना मन के मेरे दोस्त की बेटी नाल शादी की। गल नूं गवान फिराने की बजाय मैं साफ पूछ रहा कि अमन की फोटो छुपाने के पिछे तेरा किन्ना हाथ है। एक्सक्यूज मी मिस्टर निहाल सिंह, मैं अमन नहीं जेडी हाँ। जेडी पहेलियां च गल करन दा मेरे को टाइम नहीं है। दिल दियां गल्लां दिल ही जाने कि तू मेरे कहना मन के मेरे दोस्त की बेटी नाल शादी की थी। मेरा मान रखा था।
अंदरों ही अंदर ये एहसास मैनू हमेशा यह मान दिता रहा है कि तू मेरी गल नू अहमियत दी। लेकिन ये मैं कभी सपने च भी नहीं सोचा कि ब्याह तो बाद 25 साल तक तू उस पूर्णिमा नाल रहा। मेरिया सत्तां पुश्तां तो अज तक किसी ने इनी नमोशी नहीं चली होनी जिनी तेरी वजह नाल अज मैनू चलनी पै रही। मैं पूछदा जे तू ओदे नाल ही रिश्ता रखना सी ते सोनिया नाल ब्याह क्यों कीता? ऐ झूठ है बाऊ जी। ते जो सच है वो तुसी जान के भी नहीं जानना चाहुंदे। मैनू नहीं पता की सच है ते की झूठ। मेरे लिए सच यह है जड़ा मेरी नूह ने इस चिट्ठी च लिखिया। लै पढ़। इज्जत मिट्टी च मिला दी। जेड़ी नियाल बोल रहा। ओहो नियाल सिंह भाई मैंने आज फोन करने का कष्ट किस तरह किया? वैसे अपने दोस्त दे राइवल नू फोन खुशी नाल तो किया नहीं होना, बड़ी तकलीफ चुक के फोन गन गुवान कराने की बजाय मैं साफ पूछ रहा कि अमन की फोटो छुपान के पीछे तेरा कि नाल। एक्सक्यूज मी मिस्टर निहाल सिंह, मैं अमन नहीं जेडी हाँ। जेडी पहेलिया गल करन दा मेरे को मैं मजाक करन दे मूड च नहीं हाँ। जेडी मैं तैनु पूछना इन्ना थले गिरन दी लोड़ की सी तैनु? हलो हलो निहाल है गलत है सर, अर सर झूठ है, भला मैं ऐदा क्यों करांगा? मैं मनदा कि मैं एक शूट बिजनेसमैन हाँ, पर मैं चाल ओहो जी चलना जेड़ा मेरे बिजनेस नूं फायदा पहुंचाउंदा। हुण तूं आप ही दस एहो जी हरकत करके मैनू की फायदा हो सकता? जे यारी असूलों नाल निभाई दी है ना तो दुश्मनी दे भी अपने कुछ कायदे होते हैं, पर अगो मेरे ते उंगल चुकन तो पहला मेरे स्टैंडर्ड का ख्याल जरूर रखी। एह जी हल्की हरकत का इल्जाम लेना मेरी शान के खिलाफ लिहाज। जेड़ी दे हाथे दे पिछे नहीं है तो कौन हो सकता है? केड़ा नवा दुश्मन पैदा हो गया अमन दा?
अपने आप को पूछ। तेरी वजह नाल आज सोनिया घर छंड के चली गई। एक छत्ते थले रहेगी तेरे वर्गे घटिया इंसान नाल। मैं पूछना, जे तू ओदे नाल ही रिश्ता रखना सी ते सोनिया नाल ब्याह क्यों कीता? मैनू नहीं पता की सच है ते की झूठ। मेरे लिए सच ए है जड़ा मेरी नूह ने इस चिट्ठी च लिखिया। लै पढ़। गलत ओ नहीं, गलत तू है अमन, तू। समझ नहीं आता कि अमन के पीछे आखिर पै कौन गया जो ओदे नाल सब कुछ कर रहा है। जेड़ी दी गला नाल ते नहीं लगता कि ओदा इहदे पिछे कोई हाथ हैगा। आखिर फिर एक कौन हो सकता है जिन्हें मीडिया नूं ये दस्या कि हॉस्पिटल च वो पूर्णिमा नूं मिलदा रहिंदा सीगा। कौन हो सकता है वो? चारा मेरा यार कितना परेशान हैगा। मुझे उन्हें फोन करना चाहिए, सुनाना उन्हें दसना चाहिए कि जेड़ी दा इहदे पिछे कोई हाथ नहीं है। सारे शहर च बदनामी हो गई है, तू कहनी है मैं चुप रहा, ठंड रखा। निहाल गल कर मेरे नाल। मैंने दसना गल की है? देख अमन, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाऊगा। ओ यार हुन ठीक क्यों होना है? आदमी मेहनत करता है, मशक्कत करता है, इसलिए क्यों इज्जत शोहरत कमा सके, पर कदे कदे यही शोहरत ओदी बदनामी दा बायस बन जाती है। यार मेरी गलती की है? तू दस मेरा कसूर की है? अही ना कि भाई मैं इंसानियत दे नाते एक दोस्ती मदद की थी, वो भी उस वेले जदों जिंदगी दी जंग लड़ रही सी। लोकां दी गल ना कर यार, लोकां नूं की है ते हर गल च मजा लेंदे ने। जान मेरी गल सुन, मैं ये पता करना चाहुंदा सीगा कि तेरा नवा दुश्मन कौन पैदा हो गया। मैं जेड़ी दे नाल गल कीती, लेकिन जेड़ी कह रहे ओदे ओदा कोई हथ नहीं एदे विच। ओ यार निहाल, तू जेड़ी नूं फोन क्यों कीता यार? तेनू तो पता है किहो जिहा आदमी। ओ छड़ ना यार, तू ओदी चिंता ना कर, तू अपना ख्याल रख यार, अपने आप नू संभाल, तू कानू चिंता कर रहा है। भाई वो सब कुछ ठीक ठाक कर देगा, समझे? चल बाय। ओ भाई गुरु मेरे दोस्त का ख्याल रखी। हिम्मत वेखी अमन ने, एक ते चोरी उपरों सीना जोरी। मैं सोचता सी कदे कदे मैं ही गलती कर जाना उन्हें डांट के, पर नहीं, मेरी आत्मा ठीक ही सोचती सी। ओदे ता चाले ओही ने। तुसी तैश इच ना हो जी, ठंड रखो। मैनू कह रही है ठंड रखा? मत मारी गई है तेरी? सारे शहर च बदनामी हो गई है और तू कहनी है मैं चुप रहा, ठंड रखा। अच्छा ते फिर कल पी जाओ, अपना ही जीओ खा करोगे ना? ऐता दुखी होना, कदे हालात सुधरे ने? हालात तो चंगे भले सी, ये सब तेरे लाडले दी करतूत है जेड़ी सानू खून दे अथरू रुला रही है। कदे कदे मैं सोचना मेरे वर्गे इज्जतदार इंसान दे घर एहो जे आवारा जमया ही क्यों? इहदे नालों तो मैं बे औलाद चंगा सी। बेचारी सोनिया कोलों तो पता नहीं केड़े जन्म का बदला लै रहा हो। ये
दादे दी इज्जत दा लिहाज तो नहीं पर अपनी बोटी ते बच्चियां दी शर्म भी नहीं उस बेशर्म नूं। तुहाडी नाराजगी अपनी जगह बिलकुल ठीक है। मैं मन्नी आ अमन कोलों गलती होई है पर जो कुछ भी होया वो अमन ने जान बुझ के नहीं किया। ठीक है जान बुझ के नहीं किया उन्हें वो दो दो जवान कुड़ियां दा पे है तेरा लाडला कोई निक्का न्याना नहीं जेड़ा कोई वरगला के लै गया सी उन्हें उन्हें जो भी किया जान बुझ के किया। मैं तो सोचा सी कबीलदारी च रुझ के हरकत छड देगा पर गंदगी वाले माहौल चो निकलिया हुंदा तद सुधरदा ना वो तो 25 साल तो ना मंदे बहु जी ना ये गल गलत है। मैं इन्नी देर तो तुहाडियां सारियां गल्लां आराम नाल सुनदी पई सां पर यह गल ते गलत ही है। सोनिया नाल व्याह करन लई पूर्णिमा ने ते अमन नूं राजी किया सी ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆਪਣੇ ਮਨਹੂਸ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਖੁੰਦਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਉਣ। मेरा अजे चुप रहना ही ठीक है नहीं तो यह कितने ऐ ना समझ बैठन कि मैं अमन दे नाल मिली हाँ। अजे इन्हां दा दुखी होकर अनाप शनाप बोलना तो सुभाव की है समझाने का तो कोई फायदा नहीं। सच पूछे दा तेरे हुंदे होए मैनू कदे भी अपने बेटे की कमी महसूस नहीं हुई। ताया जी तुसी मैनू अपना पुत्र कहता बस हुण तुसी फिकर ना करो आई एम ऑलवेज विद यू। पुत्र तू इन्ना कहता मेरे लिए इन्ना ही बहुत है। ताया जी हुण तुसी सारियां फिकरां छड़ दो रिलैक्स हो जाओ मैं हैगा ना तुहाडा पुत्र